हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 की। इस वीडियो में हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप नेविगेशन फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके पहले भी दो तीन वीडियोज़ नेविगेशन फॉर्म को लेकर के मैंने बनाई हैं, इस वीडियो में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ मैक्रोज भी मैंने बनाए हैं, ये मैक्रोज आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर पहले टेबल बनाया फिर फॉर्म बनाया, आप चाहे तो रिपोर्ट भी बना सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पे आ गए और यहां पर आपको मिलता है नेविगेशन, ठीक है। तो इसमें जिस भी तरह से आप नेविगेशन बनाना चाहें, आप हॉरिजॉन्टल टैब को लेना चाहते हैं, वर्टिकल टैब को लेना चाहते हैं, वर्टिकल टैब राइट में लेना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब टू लेवल लेना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब वर्टिकल टैब लेफ्ट लेना चाहते हैं, या जो भी लेना चाहते हैं आप लेकर के बना सकते हैं। तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल टैब पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ये इस तरीके से आएगा, यहां लिखा हुआ आएगा ऐड न्यू, देख सकते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्म ऐड करते हैं तो यहाँ ये पहला फॉर्म हम यहाँ पे ला करके ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये दूसरा फॉर्म कस्टमर का है, यहाँ पे ला करके ऐड कर दे रहे हैं। फिर ये तीसरा फॉर्म ग्रोसरी का है, यहाँ पर ला करके ऐड कर रहे हैं। फिर ये चौथा फॉर्म मेडिसिन का है, यहाँ पर ला करके ऐड कर रहे हैं। फिर ये पाँचवा फॉर्म स्विच बोर्ड का है। तो ये पाँच फॉर्म एक ही जगह हमने प्लेस कर दिए, देख सकते हैं आप। आप चाहे तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर लगाएंगे वही कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए ये कलर ब्लैक हो गया। फिर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इस बार हम कलर रखेंगे येलो। तो यहाँ पर ये येलो हो गया और इसके फॉन्ट को हम ब्लैक कर देंगे, इसकी फॉन्ट का जो स्टाइल है इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ और बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ कलर में चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ पर आकर के इसका कलर रेड कर दे रहा, रेड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी कलर बदल देते हैं, कुछ चेंज करते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर कलर थोड़ा सा ग्रीन टाइप में, ग्रीनिश कलर कर देते हैं, ग्रीन कलर, और इसे ब्लैक कर देते हैं। अब ये स्विच बोर्ड बना हुआ है तो ये स्विच बोर्ड का कलर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने फॉर्म हो गए, पाँच फॉर्म हो गए। फ़ायदा क्या है, पहले तो इसको सेव कर लेते हैं, जो हमने नेविगेशन फॉर्म बनाया इसको नेविगेशन फॉर्म के ही नाम से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो नेविगेशन फॉर्म नज़र आता है। अब मान लीजिए यहाँ से आपको जाना है कस्टमर टेबल पर, तो यहाँ पर आप सीधा क्लिक कीजिए, आ जाएंगे कस्टमर टेबल पर। फ़ायदा ये है, ये बिस्किट वाली टेबल पर जाना है तो सीधे क्लिक कीजिए, बिस्किट वाली टेबल पर आ जाएंगे। अगर ग्रोसरी पर जाना चाहते हैं तो ग्रोसरी पर क्लिक करिए। स्विच बोर्ड पर आना चाहते हैं स्विच बोर्ड पर आ जाइए। ये यहाँ फॉर्म व्यू में आपको रहना है, ठीक है। ये जो फॉर्म व्यू है इस पर रहिएगा, क्लिक करिएगा, कस्टमर की टेबल आ जाएगी, ठीक है। ये इजी है, आसान है, और उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये कैसे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये देखिए ये ऊपर आया हुआ है, सारी डिटेल ऊपर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अगर इसको फॉर्म व्यू में भी ले लेते हैं आप, तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके जा सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। मेडिसिन यहाँ पे है, देख सकते हैं, ग्रोसरी यहाँ पे है, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।